नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं बंधो, वो उस भिषकनु शिला की तरह रजेक हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग में वे कभी सफल नहीं हो पाते और उनका निर्वाण नहीं हो पाता, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ है धर्म के क्षेत्र में सबसे पहला कदम है श्रद्धा भक्ति ज्ञान चारित्र, तो ठीक है। इसकी बड़ी बातें हैं कि यदि आप सिद्ध बनना चाहते हैं, यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, तो सहनशीलता सीखिए। सहन करना, समता के साथ सहन करना, ये बड़ी बात है। पराधीन में, परवस्था में सहन करना हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन स्वाधीनता में सहन करना ये बहुत बड़ी बात है। जैन दर्शन में जन्म से लेकर के सभी माताओं को पता है कि जब बालक 49 दिन का हो जाता है, तो उसमें 45 से 49 दिन में मंदिर सबसे पहले उसको लाया जाता है। बड़े भजन के साथ कुटुंब परिवार के लोग नए परिधान धारण करके, नए वस्त्र नए आभूषणों को धारण करके उस बालक के लिए उसकी माँ, उसके पिता और भी कुटुंब परिवार के लोग सबसे पहले जब मंदिर लाते हैं, तो उस समय भगवान के दर्शन उसको कराए जाते हैं। और दर्शन कराने के उपरांत यदि वहां कोई महाराज है अथवा गृहस्थ आचार्य विद्वान पंडित हैं, तो उनके लिए सन्मुख रखते हैं उस बालक के लिए, और प्रथम संस्कार माता पिता स्वयं अपने हाथ से करते हैं, अर्थात उसके लिए गंधोदक से सिंचन करके साथिया बनाते हैं, सिर पर तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, और इनके साथ साथ अष्ट मूल गुण के संस्कार दिए जाते हैं, अर्थात 8 साल तक के लिए अथवा जब तक उस बालक के लिए समझदारी नहीं आ जाती है, तब तक के लिए मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग कराया जाता है, और एक जिम्मेदारी माता पिता के लिए दी जाती है कि तब तक आपके लिए इनके इस नियम का पालन कराना है। उस बालक के माता पिता पूरी जिम्मेदारी से उसका उस नियम का पालन कराते हैं। बंधु, इसका अर्थ यह हुआ कि जन्म से 49वें दिन से उस संस्कार उसके लिए मिले हैं, तभी से वह जैन कहलाने का अधिकारी होता है, और उसी समय राशि के अनुसार नामकरण किया जाता है, जन्म राशि के अनुसार नामकरण किया जाता है, और वह नामकरण विशेष करके 1008 तीर्थंकरों के जो नाम हैं अथवा
उनसे जुड़े हुए अनेकों गुणों से युक्त नामकरण उस बालक के उस अक्षर के अनुसार किया जाता है। यानी इतनी छोटी उम्र से त्याग की परंपरा प्रारंभ हुई है और अनवरत 8 साल के बाद अथवा समझदारी आने के बाद माता पिता फिर से एक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि अपने यहां ये परंपरा सामान्यतः लुप्त होती चली जा रही है, यूं कहें जहां कहीं महाराज हैं या जिस परिवार में धर्म के संस्कार हैं, धर्म का ज्ञान है, तो ये लोग इसका ध्यान रखते हैं कि अब बालक 49वें दिन का संस्कार प्राप्त कर चुका है, अभी 8 साल 10 साल 9 साल का हो गया है और इसके लिए पुनः अब संस्कार देना आवश्यक है। तो माता पिता वैसा का वैसा ही फिर से एक अनुष्ठान करते हैं, विधान करते हैं, बालक पहली बार भगवान का अभिषेक करने का पात्र हो जाता है। उसके लिए शुद्ध धोती दुपट्टा आदि पहना करके उससे अभिषेक कराया जाता है, भगवान के विधान कराया जाता है और अष्ट मूल गुणों के पुनः संस्कार उसके लिए दिलाए जाते हैं। यदि कोई महाराज या माताजी या कोई भी त्यागी वर्ग है और यह वह सारे योग्य नियम का पालन करने की क्षमता रखता है तो बंधु उस उम्र से आहार दान की भी पद्धतियां प्रारंभ कराई जाती हैं, ऐसा अपने शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जिन बच्चों के लिए ये संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं निश्चित है उस घर में निरंतर शांति हर्ष खुशी बरसती रहती है, उस घर में संस्कारवान होने के कारण धर्म की गंगा अनवरत बहती रहती है और वह परिवार फलीभूत होता है। जिन परिवार में धर्म के संस्कार नहीं होते हैं बंधु, चाहे वह गरीब हो और चाहे वह अमीर हो, धर्म के संस्कार यदि बालकों के लिए नहीं दिए गए वो संतान बिगड़ भी जाती है और इतनी बिगड़ जाती है कि घर के माता पिता के ही हाथ में फिर वह संतान नहीं रहती, कंट्रोल में नहीं रहती और माता पिता के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं। और उस मौके पर कहा जाता है माता शत्रु पिता बैरी, इन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यतः। याद रखिए केवल बच्चों के लिए जन्म देना महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म के साथ संस्कार सुसंस्कार देना महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में पुराणों में जहां कहीं भी माता पिता की विशेषता बतलाई गई है वहां उन माता पिता की विशेषता बतलाई गई है जिन माता या जिन पिता ने अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे कभी कुछ बालकों को देख करके आश्चर्य होता है कि कभी ऐसे भी छोटे छोटे से बालक दौड़ दौड़ करके आते हैं, हमारी उंगली पकड़ लेते हैं, अब मैं छुटाता हूं और वे फिर से पकड़ लेते हैं। और कुछ बालकों को मैं देखता हूं कि वे महाराज को देखते ही डर करके भाग जाते हैं, अगर माता पिता भी खड़े हों तो उनके पीछे छिप करके खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा ये अंतर क्यों दिख रहा है, ये अंतर क्यों दिख रहा है?
उसका मुख्य कारण है कि उनकी पहचान माता पिता से हो रही है। अगर माता पिता कुटुंब परिवार संस्कारवान हैं तो बच्चे संस्कारवान मिलेंगे। वे आग्रह करेंगे मम्मी मुझे मंदिर ले चलो, वे रोएंगे मचलेंगे भोजन नहीं करेंगे, पहले मंदिर जाना है, पहले मुझे महाराज के पास जाना है, क्योंकि माता पिता के संस्कार हैं, इतना सिखाया है उन्होंने। और जिन्होंने कुछ नहीं सिखाया बंधु, उन्हें तो धर्म उपहार नहीं वजनदारी महसूस होती है कि धर्म तो एक भार हो गया है। ऐसे बच्चे जब बड़े भी क्यों ना हो जाएं, आप देखिए धर्म यदि भार भूत लगने लग जाए, समझ लीजिए धर्म के संस्कार नहीं मिले, और उपहार स्वरूप महसूस होने लग जाए, समझ लीजिए उनको धर्म के संस्कार मिले हैं, इसलिए भी इतने गदगद हो रहे हैं। आज अपन देख रहे हैं श्रीमद् जिनेन्द्र पंच कल्याणक विरागोदय में चल रहा है, और अनेकों अनेक इंद्र और इंद्राणियां आनंद विभोर हैं। ध्यान रखिए शास्त्रों में कहा गया संवेग भावना का अर्थ है धम्मो धम्म फलम्य हर्षो भावो होई संवेगो। धर्म और धर्म के फलों में आनंदित हो जाना चाहिए, इतने आनंदित हो जाना चाहिए कि मेरा सौभाग्य कि मुझे अवसर मिल गया। जैसे भगवान के दर्शन करने के समय मोह और हरस ऐसो भयो मनो रंक चिंता मणि लयो, अगर आनंद आ गया समझ लीजिए आपकी झोली में धर्म की अमृत वर्षा होने लगी, और आप के झोली में धर्म बरसने लगा है, शांति बरसने लगी है, आनंद बरसने लगा है, आपको धर्म का आनंद आ रहा है। केवल इसका नहीं कि हमारी फोटो खींच रही है, याद रखिए नहीं तो कहीं ध्यान इसी पर रहे और भगवान का अभिषेक ही हो जाए और आप फोटो ही खिंचाते रह जाओ। पंडित जी इंतजारी नहीं करते, वो तो अभिषेक के मंत्र चल रहे हैं यानी अन्न व्रत चल रहे हैं। बंधु उपयोग अन्य जगह ना जाए, धर्म में लगा रहे, वे प्राणी धन्य माने जाते हैं। आज अपने बीच में तीर्थंकर भगवान के माता और पिता बनने का सौभाग्य, कहाँ है पिताश्री, आगे आओ, श्री आगे आगे वहां नरेश कुमार जी कुर्सी पर बैठ, नरेश कुमार गुड़ वाले कहलाते हैं, भिंड के निवासी हैं और बहुत बड़ा विशाल परिवार है। जहां भी चाहे वो भिंड हो, एवत हो, अहमदाबाद हो, पूना हो, इंदौर हो, सब जगह इनकी शाखाएं फैली हुई हैं। बिंदु अपने यहां की बड़ी जो मूर्ति है उसके बगल में महावीर भगवान की चमत्कारी मूर्ति है। चमत्कारी मूर्ति इसलिए है, मम्मी कहाँ है,
नहीं, वो भगवान की माता नहीं, इनकी मम्मी। बंधु आपको पता होगा कि पहले आदिनाथ भगवान के मूर्ति, धर्मनाथ भगवान की मूर्ति नियुक्त हो चुकी थी। एक मूर्ति महावीर भगवान की रह गई थी। हम लोग भिंड में थे। अब ऐसी भाग्यवान व्यक्ति की लोग तराश में थे कि कौन व्यक्ति होगा। तो कुछ लोग मेरे पास आते थे, महाराज आशीर्वाद दो, तीसरी मूर्ति भी हो जाए। मैंने कि होगी? बोले बहुत देर लग रही है। मैंने कि देर लगेगी? जितनी देर लग रही है समझ लीजिए उतनी महत्वपूर्ण होगी। बंधु भिंड में जब हम लोग थे, भिंड से बिहार भी हो गया था, पर आ रहे थे रास्ते में कहीं थे, तो हमारे नरेश जी, उमेश जी, महेश, क्या है, रमेश जी, इनकी वृद्ध अम्मा सुबह, देख लो कितनी उम्र है, 95 साल की, लेकिन उस समय 85 साल की होंगी। तो प्रातः काल की बेला में मंदिर जा रही थी। मंदिर जाते जाते चौका लगाने जा रही थी और एक स्कूटर से, कार से एक्सीडेंट हो गया। और ऐसा जोर से एक्सीडेंट हुआ कि पूरा सिर 18 टांके आए थे। सब लोग घबरा गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इतनी उम्र में कुछ नहीं हो सकता है। हमारे नरेश जी मम्मी के परम सेवक हैं, सभी ने कहा ग्वालियर ले चलो, वहां ले चलो, एक हॉस्पिटल ने मना किया, दोस्त ने, रमेश, इन्होंने, नरेश जी ने कहा मुझे कहीं नहीं ले जाना, महाराज के पास ले जाना है। अम्मा ने कहा महाराज के पास ले चलो, मैं तो महाराज के पास चलूंगी। और वे हॉस्पिटल से सीधे लेकर के हमारे पास लाए। बोले महाराज अब आप देखो समझो, ऑक्सीजन कि वो लगी हुई थी। अम्मा से कहा अम्मा क्या करना है। अम्मा को पता था कि विरागोदय बन रहा है, मूर्ति का काम हो रहा है। उन्होंने अपनी एक गले की माला निकाली और कहा कि वो विरागोदय के लिए माला देना है। मैंने कहा मूर्ति है, इंतजारी कर रही है। रमेश उमेश सब तैयार हो गए। उन्होंने कहा महाराज मम्मी यदि ठीक हो गई तो महावीर भगवान की मूर्ति हमारी ओर से रहेगी। बंधु इतना अच्छा श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव कि थोड़े ही दिन में अम्मा ठीक हो गई, लेकिन वे चल नहीं पा रही थी। तो अभी जो मरु देवी बनी है वो बोली महाराज इतनी उम्र में अम्मा चौका लगाती हैं, वे चौका लगाने लग जाएं और आहार देने लग जाएं। मैंने कहा ठीक है, ये भी हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आया कि जब इनके यहां चौका लगाया तो सारी व्यवस्था अम्मा ने बनाई, 4 महीने तक चौका चला, 1.25 साल कोरोना में भी चौका चला। और बंधु तत्काल उन्होंने मूर्ति वाले को बुलाया और उन्होंने कहा कि बस
मूर्ति का काम प्रारंभ करो। इसलिए भगवान आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति को हम लोग बड़ी चमत्कारिक मूर्ति मानते हैं। कितना श्रद्धा इनकी उस दिन से भगवान के चरणों में बनी। सारा परिवार तो पहले से ही श्रद्धालु था, लेकिन तब से तो कहना ही क्या। आज उनके लिए यहाँ के भगवान महावीर भगवान तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के पंचकल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। बड़े पूरा परिवार लगभग 100-150 परिवार के लोग कुटुंबी हैं। काफी मात्रा में आज मुझे लगता है कि 80% तो आ गए होंगे कि नहीं। 80 आ गए, 95% लोग आ चुके हैं। बंधु तीर्थंकर ऋषभदेव के पिताजी का नाम था नाभिराय। नाभिराय नाभिराय यद्यपि प्रजाजनों ने उनके लिए नियुक्त किया था, राज तिलक तो नहीं था उस समय, राज तिलक की परंपरा नहीं थी, लेकिन सभी प्रजा ने अपना हितैषी समझा और उनके निर्देशन में रहने की अपनी बात रखी और उनके निर्देशन में रहने रहे। तब से हमारे देश का नाम अजनाभ बाहु अजनाभ वर्ष पड़ा। नरेश जी एक बार आगे खड़े तो हो, एक बार जो नाभिराय थे और आगे हाथ नीचे करो, कितने और नीचे करो, घुटने तक। नाभिराय के हाथ घुटने तक तो नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब है इनके हाथ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जो असली नाभिराय थे अब भी असली असली ही थे, इसका मतलब ये नकली नहीं है। ये भी असली ही है, लेकिन वे साक्षात थे, ये प्रतिरूप में हैं। नाभिराय के हाथ घुटने पर्यंत थे और घुटने का अर्थ होता है संस्कृत में जानू बोलते हैं, घुटने को जानू। तो जिनके हाथ घुटने पर्यंत होते हैं, आज जहां कहीं की भी मूर्ति हो, विनय भैया चिंटू अपन जहां कहीं की भी खड़गासन प्रतिमा होगी, आप देखो तो उनके हाथ कितने रहते हैं, घुटने तक रहते हैं, अपने हाथ घुटने तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मतलब बतलाते हैं ज्योतिषी लोग कि जिनके पुण्य आत्मा प्राणी होते हैं, भाग्यवान प्राणी होते हैं, उनके हाथ घुटने पर्यंत होते हैं, इसलिए उनके नाम अजानु बाहु। बाहु यानी हाथ, जिनके घुटने पर्यंत थे इस कारण से उन्हें अजानु बाहु और नाभिराय नाम था, तो अजानु बाहु नाभिराय इस नाम से पुकारा जाता था। बंधु उनके नाम से देश का नाम अजनाभ वर्ष पड़ा। अन्य ग्रंथों में नाभिखंड भी कहा जाता है, नाभिखंड। विशेष करके जैन ग्रंथों में तो उल्लेख है ही, वैष्णव ग्रंथ में भी, भागवत में, महाभारत में उल्लेख मिला कि वे अजानु बाहु नाभिराय के नाम से देश का नाम अजनाभ खंड पड़ा था, अजनाभ वर्ष पड़ा था। ऐसे वे नाभिराय थे जिनका प्रजा के प्रत्येक प्राणियों के प्रति एक ऐसा स्नेह था,
जैसे कोई पिता अपने बच्चों की, अपने संतान की रक्षा और विकास में संलग्न रहते हैं, नाभि राय का इतना ऊंचा हृदय था, वे सारी देश की प्रजा की उन्नति और उसकी रक्षा के लिए सदैव सदैव तत्पर रहते थे। इसलिए उस समय के एक अखंड राज्य के राजा यदि थे तो वे महाराजा नाभि राय थे। मरु माता, उनकी धर्म पत्नी का नाम मरु देवी था। जब ऋषभ देव को गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से कुछ एहसास हुआ सौधर्म इंद्र के लिए, सौधर्म इंद्र खड़े तो हो जाओ एक बार, समझ जाएं लोग कौन से सौधर्म इंद्र सची का है। सौधर्म इंद्र और सची, सौधर्म इंद्र के लिए एहसास हो गया। कैसे एहसास हुआ बतलाओ कि 6 महीने बाद तीर्थंकर अवतरित होंगे। नहीं, आसन तो बाद में कंपायमान हुआ, अवधि ज्ञान नहीं लगाया था, लेकिन उसके शरीर की कांति कुछ फीकी पड़ने लगी और सिर का मुकुट कुछ झुकने लगा। ये 2 हेतु अपने शास्त्रों में मिलते हैं कि सिर का मुकुट झुकने लगा और शरीर की कांति फीकी पड़ने लगी, तो सोचने लगा कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। देवताओं का शरीर तो वैक्रियक शरीर होता है, उसमें कभी ये परिवर्तन बदलाव नहीं आते हैं, लेकिन मेरे शरीर में परिवर्तन कैसे हो रहा है? मुकुट कभी झुकता नहीं है, अरे मुकुट मेरा क्यों झुकने लगा? इसके बाद उसने अवधि ज्ञान लगा लिया क्या कारण है। अवधि ज्ञान से उसने समझ लिया, ओहो आज से 6 महीने पश्चात कोई महापुरुष भरत क्षेत्र के आर्यखंड की अयोध्या नगरी के महाराजा नाभि राय और माता मरु देवी की कुक्षी में अवतीर्ण होंगे। अभी वे आए नहीं, लेकिन आएंगे। कहते हैं सूर्य का उदय जब हो तब हो, लेकिन उस पूर्व दिशा में लालिमा पहले से फैलने लगती है, लालिमा पहले से फैलने लगती है। बंधु, तीर्थंकर जैसे महाप्रतापी महापुण्यशाली भाग्यवान उस परमात्मा का जन्म या गर्भ में जब आएंगे पहले से ही ये पुण्य वर्गणाएं काम करने लगी। एक बार फिर से खड़े हो जाइए सौधर्मिंद्र, सौधर्मिंद्र अपने 10 दिक्पालों में एक उत्तर दिशा का दिक्पाल जिसका नाम कुबेर था, कौन था? कुबेर। कुबेर कहाँ है? कुबेर के लिए स्मरण करता है कौन? सौधर्मिंद्र। कुबेर ऐसे नहीं होते, मुकुट कहां रखा है? स्वर्ग में छोड़ा है। देवता और देवियां बिना अपने आभूषण के एक क्षण भी नहीं रहते हैं, यही उनकी पहचान है। जैसे ही सौधर्मिंद्र ने कुबेर को स्मरण किया, कुबेर
स्वधर्मिंद के सन्मुख खड़ा हो गया और अब तुम हाथ ना जोड़ो, स्वधर्मिंद नहीं कुबीर स्वधर्म, ऐसी विधि विधान है कि स्वधर्मिंद्र देवराज कहा जाता है। उनके निर्देशन में सारे देवता गण रहते हैं। स्वधर्मिंद्र कुबेर, कुबेर स्वधर्मिंद्र को देखता है और देखते ही पूछता है कि हे स्वामी, आज आपके चेहरे में इतनी प्रसन्नता क्यों है? पूछो। अब वो स्वधर्मिंद्र कुबेर से पूछ रहा है कि इतनी प्रसन्नता क्यों है, मैंने आज तक आपके चेहरे में इतनी प्रसन्नता कभी नहीं देखी। स्वधर्मिंद्र एक कदम आगे बढ़ता है थोड़े से और कुबेर को साथ लेता है, हाथ थाम और कहता है कि सुनो कुबेर, प्रसन्नता का भी एक राज है। और जैसे ही ये बोलता है वो अट्टहास करने लगता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। कैसे हंसते हो? माइक दे दीजिए। नहीं, अरे सौधर, पहले स्वधर्मिंद्र हंस रहा है। अरे हंसो तो सही, आवाज तो आए। बंधु हे कुबेर, वह इतना आनंदित होता है कि बोल ही नहीं पाता है और उसको देख करके तो कुबेर भी खुश हो गए और वे भी खुश हो गए। अभी तो कुबेर को पता ही नहीं है कि ये हंस क्यों रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि घर में एक ना एक व्यक्ति इतना प्रसन्न चित्त होना चाहिए कि अगर आपका कभी सिर भारी होने लग जाए तो उसको सामने बैठा लो, तो क्या होगा, आपकी सारी सिर की वजनदारी दूर हो जाएगी। अपने यहां बहुत से ऐसे लोग हैं कि भी प्रसन्न रहते हैं तो उनको देख करके अपन को भी हल्के हो जाते हैं। बंधु स्वधर्मेंद्र से कुबेर ने फिर से पूछा कि कुछ तो बतलाओ कि आपकी हंसी का ये प्रसन्नता का क्या कारण है। तब कहीं स्वधर्मेंद्र कहता है, सुनो कुबेर, प्रसन्नता का राज तो ये है कि हम भगवान जिनेंद्र देव के अनन्य भक्त हैं। कुबेर भी कहता है कि मैं भी तो हूं, मैं भी तो भगवान का परम भक्त हूं। स्वधर्मेंद्र कहता है कि हां हां आप भी भक्त हैं, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हे सौ कुबेर, मुझसे भी कहीं ज्यादा पुण्यशाली तुम नजर आ रहे हो। कुबेर कहता है नम्रता के साथ कि हे स्वामी, ऐसी बात आप क्यों कर रहे हो? आप देवराज हैं, हम तो आपके सेवक हैं और आप मुझे पुण्यात्मा कह रहे हैं। स्वधर्मेंद्र कहते हैं जैन धर्म सापेक्षी धर्म होता है, स्यादवाद के रूप में चलता है, किसी अपेक्षा से आज मुझे तुम्हें पुण्यात्मा समझ रहा हूं। कुबेर फिर पूछता है कि ऐसा क्या कारण है। स्वधर्मेंद्र कहता है कुबेर, मेरी इस आज्ञा का एक पालन करना है तुम्हें, और वह यह है कि तुम्हें
जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और अयोध्या नगरी में जाना है। कुबेर आश्चर्य भरी मुद्रा में पूछता है, स्वामी वहां क्यों, क्या कारण है वहां जाने का? सुनो, यह तृतीय काल चल रहा है वहां का, यद्यपि तीर्थंकरों का जन्म चतुर्थ काल में होता है लेकिन उन्नाव सर्पणी काल के कारण तृतीय काल में ही वर्तमान चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का 6 महीने पश्चात वहां गर्भावतरण होगा। तुम्हें वहां जाकर के सारी नगरी को स्वर्णमय बनाना है, रत्नों की वर्षा करना है और सारी गरीबी दूर कर देना है। कुबेर विश्वास दिलाता है कि हे स्वामी ऐसा ही करूंगा, और एक दिन नहीं 6 महीने और गर्भ के 9 महीने 15 महीने तक रत्न लुटाऊंगा, रत्न बरसाऊंगा। कुबेर माइक तो दे दो उनको, ये तो बतलाओ। अरे पहले माइक ले लो फिर पिटारा हम दिलाते हैं आपको। हाँ माइक ले लो, ये बतलाओ एक टाइम में कितने रत्न बरसा हो गए? लाखों करोड़ों बोले कहीं ना कहीं तो गिनती आई जाएगी, कितने करोड़? असंख्यात नहीं 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रत्न एक टाइम में बरसाता है। ये बात बतलाओ असली वर्षा होगी कि कांच के वर्षा होगी? पत्थर के वर्षा होगी कि थर्माकोल के वर्षा? पत्थर की। कुबेर कहता नहीं 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 असली ही बरसाऊंगा, और फिर हम तो मनुष्य, कुबेर की प्रतिष्ठा के रूप में हम काम कर रहे हैं, जो हमारे पास होंगे सब बरसा देंगे। सही है, जो होंगे बोले जितने असली होंगे सब बरसा देंगे, बचा करके तो नहीं ले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, बोले बचा करके नहीं ले जाएंगे, सब बरसाएंगे। एक ही दिन में बरसा दोगे कि पूरे 15 महीने तक? 15 महीने तक एक टाइम में 3.5 करोड़। ऐसे शास्त्रों में 2 उल्लेख मिलते हैं, एक उल्लेख ये मिलता है कि तीनों टाइम रत्न वर्षा करता है कुबेर, दूसरा उल्लेख ऐसा मिलता है कि 4 टाइम अर्धरात्रि का भी गिनती गिनी गई, अर्धरात्रि में भी वह रत्न वर्षा करता है, और ऐसे मिला करके 4 टाइम। अगर 3 टाइम बरसाता है तो 10.5 करोड़ रत्न एक दिन में, और 4 टाइम बढ़ाता है तो 14 करोड़ रत्न एक दिन में। अब आप हिसाब किताब लगा देना 15 महीने में कितने रत्न बरसाए। बंधु वह कुबेर तो यह सुन करके कि वहां तीर्थंकर का अवतीर्ण होंगे ऐसा सुन करके तो नाचने लगा, इतना आनंद विभोर हो गया। कैसे नाचे थे? बंधु वो तो अभी से रत्न बरसाने के लिए तैयार हो गए। ऐसे ऐसे रत्न, इसका अर्थ है कि जो बांटता है, जो बरसाता है, वह खुशी से बरसाता है, ये प्रसन्नता का प्रतीक है कि वह अभी भली भी चिलचिली बरसा रहे हो, बाद में असली बरसाएंगे। बंधु कितना आनंद का विषय रहता है। कहते हैं बिना सम्यक दर्शन के प्राणी को धर्म का आनंद नहीं आ सकता है,
और जिन जिनको धर्म का आनंद आता है वे प्राणी सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, धर्म के कार्यों में आनंद विभोर होते हैं। धर्म के लिए कभी भी भजन नहीं मानना चाहिए, भजन नहीं समझना चाहिए, धर्म का काम आ जाए सौभाग्य मानो। जिंदगी का वह महत्वपूर्ण क्षण है, खुशी का दिन है, और इस प्रकार की भावना से कहते पुण्यानुबंधी, पुण्य का संचय धर्मात्मा प्राणी करते हैं, पुण्य के उदय से सब कुछ वैभव पाया है और पुण्य से पुण्य बढ़ाते हैं, फिर धर्म के कार्य में लगाते जाते हैं। इतने रत्न बरसाए किसके खजाने के, कुबेर का तो कोई खजाने ही नहीं रहता है, था इनका सौधर्मेंद्र के, सौधर्मेंद्र कहता और बरसाओ, कहीं कमी मत लाओ। और बंधो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनसे और बंधो रत्न वर्षा करना प्रारंभ करता है। अयोध्या नगरी में ऐसा आनंद, अब तो महाराजा नाभिराय भी आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये हो क्या रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि सारी दीवारें सोने की हो गई, सारे मकान सारे महल सब स्वर्णमय दिख रहे, दिखने लगे, रत्न वर्षा होने लगी। गरीबी का तो अब कोई नामो निशान भी नहीं रहा, गुड्डा गरीबी का नाम भी नहीं रहा, कहीं कोई गरीब नजर नहीं आने लगे, कोई भिखारी अयोध्या नगरी में कोई भिखारी नजर नहीं आता था, कोई गरीब नजर नहीं आता था। जहां रत्न बरसे, इतने सारे रत्न बरसे, तो ज्यादा जब वस्तु हो जाती है तो अर्थशास्त्र का नियम है, क्या नियम है, वस्तु की मात्रा जब ज्यादा हो जाए, अजित भैया बाजार का भाव डाउन होगा, बोले जब वस्तु ज्यादा होने लगते हैं, मांग कम होती है, तो बाजार डाउन हो जाता है, और जब वस्तु कम हो और मांग ज्यादा हो तो बाजार उठ जाता है और वो महंगाई बढ़ जाने लगती है। अब तो रत्नों की कीमत नहीं तो रुपया पैसों की क्या कीमत रहेगी। बंधु अयोध्या नगरी का अर्थ है कि जिसके लिए कोई योद्धा भी जहां पर प्रवेश ना कर सके उसका नाम अयोध्या नगरी है, और तीर्थंकर ऋषभ देव के जन्म से वह अयोध्या नगरी पुनीता बन गई, और उसका दूसरा नाम विनीता भी नाम पड़ा है। अयोध्या नगरी का दूसरा नाम विनीता, महाराजा नाभिराय, तीसरा नाम क्या था, साकेता। अयोध्या नगरी का अगला नाम साकेता भी ऐसा शास्त्रों में आता है, साकेता विनीता अयोध्या, एक ही नगरी के ये अलग अलग नाम पड़े। विनीता इसलिए पड़ा कि उस नगर के लोग विनम्र प्रकृति के रहते थे, नम्रता से भरे रहते थे, अभिमान नहीं रहता था उस नगरी के लोगों में, इसलिए उसका नाम विनीता पड़ा था। साकेता, साकेता यह उस अयोध्या नगरी का तीसरा नाम था कि किसी को समझाने के लिए ज्यादा ताड़ना प्रताड़ना नहीं दी जाती थी, समझदार इशारे से ही काम करने लगते थे, समझदारों को इशारा ही काफी था, ऐसी वह महा अयोध्या नगरी थी। और वहां के राजा महाराजाओं की यह पूर्व भूमिका बनी,
स्वर्ग में तत्व चर्चाएं चलने लगी और रात यहां पर 9 महीने पूरे होने के लिए हुए। माता मरु देवी के लिए रात्रि में 16 स्वप्न दिखने लगे। अपन एक एक याद नहीं रख पाते हैं, एक स्वप्न 2-4 स्वप्न गिना पाते हैं लोग, और मरु देवी के लिए कितने याद रहे? 16 स्वप्न याद रहे। और उन्होंने महाराजा नाभिराय से निवेदन किया, नाभिराय ने सबका समाधान किया। इस प्रकार से यह गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप आज अपन सभी बड़े धूमधाम से यहां पर मना रहे हैं। कल यहां पर तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा। याद रखिए, धर्मात्मा श्रद्धालु प्राणी हर क्षण की कीमत करता है। वह क्षण जिस क्षण में तीर्थंकर का जन्म होता है, अभी हम लोग द्रोण जी में थे और ऐसी बहुत गहरी शीतलहर चल रही थी, 4-5 डिग्री और वहां का जो टेम्परेचर था, तो बतलाते ही लोग कह रहे थे कौन आएगा। और सुबह 7 बजे पंडाल फुल था। इतनी मैंने कहा ये तो श्रद्धा झलक रही है, लोगों के कैसी शीत लहर में भी जनता उपस्थित हो गई। आजकल आप लोगों को लो ध्यान रखना है कि टाइम पर उपस्थित होना है। और यहां से यह जलोस कहां जाएगा मालूम है? पथरिया जाएगा। क्या नाम से जलूस व्यवस्थापक मंजी? तो मंजी जलूस जाएगा, लेकिन ये देवों का जलूस जाएगा, मनुष्यों का नहीं। मालूम है देव कौन कहलाते हैं? जिनके पास वाहन हो वे सब देव हैं, चाहे वे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 6 व्हीलर हो, और चाहे 8 अथवा 10 व्हीलर हो। जितने जितने पथरिया में वाहन हैं, कल सभी के वाहन जलूस में शामिल होना चाहिए। भगवान के जलूस में यदि शामिल नहीं हुए तो वे वाहन व्यर्थ हैं, वे खिलौने की तरह हैं। इसलिए कल तो आप अपने वाहनों को पहले से धो धा करके साफ करके तैयार करके रखें और उसमें झंडी लगा लें, झंडी लगा लें, और अपने अपने वाहनों को, जिनके पास पगड़ी है पगड़ी पहन करके, टोपी है टोपी पहन करके, कैप है तो कैप पहन करके, और उस वाहन को जलूस जो है यहां से प्रारंभ होगा। और यह हाथी भी होंगे, एक विशेष हाथी भी स्वर्ग से आ रहा है जिसका नाम है ऐरावत हाथी, और सफेद ही रहेगा, काला हाथी नहीं रहेगा। वह भी स्वर्ग से आएगा, स्वधर्मेंद्र उस पर सवार होकर के वह हाथी घोड़े बग्घे सभी देव परिवार यहां से 8:30 बजे तो करीब 7:45 बजे तीर्थंकर का जन्म होगा। 8:30 बजे तक यहां पर जलूस तैयार हो जाएगा और वह जलूस पथरिया नगरी पूरी नगरी में परिभ्रमण करेगा। याद रखिए, हर घर लगना चाहिए कि यह जैन तीर्थंकर भगवान का जन्मोत्सव का जलूस है। अभी आपने पीले चावल बांटे निमंत्रण के, और अब पीले चावल के उपलक्ष में हर घर में रंगोली होना चाहिए। घर घर की अच्छी साफ सफाई करके और अपने दरवाजे के या रोड के ऊपर सुंदर रंगोली बनाएं, और रंगोली बनाने के साथ वहां से भगवान श्री जी
तीर्थंकर बालक का जलोस जाएगा, जगह जगह स्वागत सम्मान होगा, मिष्ठान्न वितरण और महाराजा नाभि राय की तो खुशी ही होगी। कल मिष्ठान्न भी वितरण है, गुड़ के लड्डू सभी लोग कह रहे हैं गुड़ वाले हैं। अब चाहे गुड़ के बटवाओ चाहे बूंदी के बटवाओ, अभी गोद भराई होना, तो अभी गोद भराई हो गई और कल मिष्ठान वितरण भी पथरिया नगरी में। पंडित जी सम बतला लियो, सेटिंग कर लियो, तो सारी नगरी में जहां जहां से रास्ते से जलूस जाएगा, हर दुकान हर मकान के लिए मिष्ठान भी वितरण किए जाएंगे। जहां जहां से आरतियां वगैरह होंगी सबके थाली में वह मिष्ठान रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार के वह कल की पद्धति को आप सभी के लिए बराबर ध्यान रखना है और तीर्थंकर बालक का फिर वहां के बाद यहां जलूस वापस आएगा। इतनी सुंदर पांडवशिला यहां पर बनकर के तैयार हुई है और उस पांडवशिला पर पहली बार यहां पर अभिषेक होगा। मुझे याद है जब 68 का गजरथ चला था तो पांडवशिला बनी थी कहां, जहां पर संत भवन है स्कूल के पीछे, सुंदर पांडवशिला कई वर्षों तक और वहां पर निशानी के रूप में बनी थी। यह यहां की भी पांडवशिला बनी रहेगी और यहां पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक होगा। मेरे हिसाब से एक भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिस घर के लोगों ने अभिषेक नाम किया हो। हर घर से जितना भी बने हर सदस्य जो है उस पांडवशिला में अभिषेक करने के लिए तैयार रहेंगे और यहां पर कलश की भी व्यवस्थाएं समिति के लोगों ने बना करके रखे हैं और धोती दुपट्टा की भी व्यवस्था यहां पर बना करके रखे हैं। तो तत्कालता में भी कुछ चाहे तो पहले से भी अभी से भी रसीद कटा सकते हैं, जिसका जो नंबर रहेगा उसी क्रम से उनके लिए वह अवसर दिया जाएगा यदि नंबर पर आ गए तो। और बाकी यहां पर तत्कालता में भी धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करने की व्यवस्था रखी गई है। तो आप लोग कल इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए, समय का फिर से याद रख लीजिए। पंडित जी कहते हैं 7:45 पक्की बात। पंडित जी का कहना है कि मुहूर्त का काम है और मुहूर्त तो इंतजारी नहीं करता है, 7:45 यानी 7:45 जमन हो जाएगा। इसका मतलब है आपके लिए और पहले 7:15-7:30 के करीब करीब यहाँ पर उपस्थित हो जाना है ताकि वह दृश्य आप अपनी आंखों के सामने देख सकें। जय बोलिए महावीर भगवान की। और आइए महानुभाव, इसके साथ हमारे बीच देवेंद्र नगर, शाहगढ़, सागर, वक्सवाहा, नोएडा, बड़ा मलहरा, इटावा इत्यादि और साथ ही जी और दिक कुमार अष्ट कुमार का मातोश्री को लेकर आएंगे भाई अनुभाई और भगवान से भी सकल दिगंबर जैन समाज पधार के लिए श्रीफल भेंट करते हुए प्राप्त करेंगे। आइए आइए माता की गोद भराई के कार्यक्रम समय भाई हमारे मलैया जी जो सर्वधर्म में बने थे वो आप मंच पर सुनवा देते हैं। मलैया जी आएंगे अच्छा रहता है, कराएंगे आज की गोद भराई के कार्यक्रम प्रारंभ करें भाई। और हमारे बीच सम्मानित श्री सुनील जी पूर्व विधायक हमारे बीच पधार चुके हैं सागर से, वो भी आएंगे पूज्य अर्चना श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए आशीष प्रदान करेंगे, श्रीफल प्रदान करें। पुजारी जी आइए भैया, आइए सुनील जी भैया। और भगवान नगर के लिए विप्र श्री माता जी के चतुर्मास
पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से प्रदान हुआ था और वहाँ की सकल दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्री समर्पण कर रहे हैं। अपने बीच में श्रीमान नरेंद्र कुमार जी पहले हमारे परिवार आएगा, उसके बाद हम सबको आपको बुलाएंगे, सभी नीचे पहुंचेंगे, सभी नीचे। भैया व्यवस्था बनाए, ऐसा नहीं भरी जाती। सावधान, होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा महाराजा विराज, अयोध्या महाराजा विराय नाविराय, जगत गुरु जगदन्नी मातोश्री माता मरु देवी श्री मंत्री क्रिया गोदर हेतु पधार रही है। आप लोग पीछे हो जाए, पहले हमारे माता पिता परिवार आएंगे, उसके बाद जो क्रम रहेगा उस क्रम से आपको आमंत्र करेंगे। सभी से अनुरोध जो मंच पर माता बहन है सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले, पीछे बैठ जाए। अरे बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। चलिए बैठिए, आप लोग समझदार हैं, बैठ जाइए, बैठिए ना। अरे यहाँ नहीं बैठना है, पीछे थोड़ा सा, चलिए पीछे हो जाइए। चलिए आइए, माता पिता को लेकर आएंगे। चले पीछे हो जाएंगे बिल्कुल, कोई भी माता पर मंच पर खड़ी नहीं रहेगी। पूजा चास्त्री चली बैठी हम लोग। हमारी जो माता बहन है पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे 100-100 ग्राम पीछे खिसक जाए, चलिए पीछे हो जाइए। हाँ ओ माता जी, खड़ी मत रहे, पीछे आओ, चलिए इधर आइए। चलिए हमारे माता पिता परिवार, सहसम्मान श्री माता पिता परिवार आ जाएंगे, आएंगे रैम से माता पिता परिवार आएंगे झूम के। खाली जगह हो, थोड़ी जगह करो, माता की को भराओ ये पावन घड़ियां आए। माता की को भराओ ये पावन घड़ियां आए, माता की को भराओ ये पावन घड़ियां आए, ये पावन घड़ियां आए, मन पावन घड़ियां आए, ये पावन घड़ियां आए, मन पावन घड़ियां आए। माता की को भराओ ये मंगल बेटा आए, माता की को भराओ ये पावन घड़ियां आए। पहले सभी बैठ जाएंगे, सभी माता बहन बैठ जाइए, आपको अपने पड़ोसी के समक्ष बैठ जाओ, बैठ जाओ पड़ोसी, सुरक्षित हो, सुरक्षित है, आइए बैठिए, आइए अपना माता पिता परिवार। हाँ भैया आइए, देख लिये भैया, माता के
की हो तुम्हारा ये बाबन बढ़िया आए, माता की हो तुम्हारा ये बाबन बढ़िया आए। सभी महानुभाव से निवेदन है, सभी महानुभाव से निवेदन की गुजारिश है, हाँ शीघ्रता करेंगे, एक एक करके अवस्था ना फैलाए, आप लोगों से निवेदन है, ऐसी गुजारिश है, बड़े भक्तिभाव के साथ आप और मिलकर माता के गोद भराएंगे। हाँ जी पहले मुख्य पात्र को बुलाओ, एक एक पीछे गई सभी महिला मंडली को पीछे करो, उसके बाद बैठ जाइए आप लोग, नहीं तो बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, समझ जा रहे फिर भी नहीं समझते, बैठ जाइए, चलिए पीछे गुड़िया, चलो पीछे हो, चलिए पीछे हो जाइए, पीछे होइए, पीछे हो जाइए, चलिए चलिए पीछे होइए, चलो अभी अभी किसी को नहीं देना आगे। देखिए पहले हमारे माता पिता परिवार आएंगे, उसके बाद हमारे प्रमुख इंद्र आएंगे, स्वधर्म गरी धनपति को गई ईशान्य सुनकुमार महंत, इसके बाद आप लोगों का क्रम रहेगा। हेलो, आप लोग समझदार हैं भैया, क्रम बनाए तो अच्छा रहता है। अपने बीच में श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन साहब पन्ना अपने बीच पधारे हुए हैं, जिन्होंने इस ब्रागोदय तीर्थ में एक श्री जनबंधन है विराजमान करने का उन्होंने अवसर प्राप्त किया है। मैं श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन साहब पन्ना उनसे निवेदन करेंगे, आए फिर श्री से आशीर्वाद चढ़ाएंगे श्रीमान नरेंद्र कुमार जी साहब। नरेंद्र जी जैन साहब जहाँ भी हों आपसे निवेदन है भैया, अपनी व्यवस्था है, व्यवस्था को बनाए तो बढ़िया रहेगा। नरेंद्र कुमार जी जैन साहब पन्ना भैया कौन है? नरेंद्र जी नरेंद्र कुमार जी साहब पन्ना भैया रास्ता दीजिए, हमें दीजिए, अरे अवसर बनाए तो बढ़िया रहता है, अरे भीड़ भाड़ कर रहे हैं, आपसे निवेदन है विवेक का परिचय दें, बढ़िया आदर्श पंच कल्याण बनाए श्रीमान नरेंद्र कुमार जी साहब पन्ना। चलो अभी अभी किसी को नहीं देना बाल मांगना, चलो आगे, अरे आगे बढ़ो ना भाई नरेंद्र पन्ना, अरे कैसे देना, हम भी चले जाएंगे भैया, रास्ता छोड़िए अपने बीच में, अरे अभी नहीं मिलेगा हमें, अपना टड़ैया सोनल टड़ैया ललित और प्रकाश चंद सराफ, प्रकाश चंद जी सराफ उनके दामाद, उनके दामाद बेटे का करने, हाँ भैया 2 ग्राम सोने की स्वीकृति प्रदान हुई है, लिखेंगे भाई, भैया लिखने वाले कौन है? सोना 2 ग्राम सोने की अभिनव जी टड़ैया, अभिनव जी टड़ैया और
सोनल जी तड़ैया और बहन जी बोलो तो प्रकाश चंद जी सराफ के नमाज प्रदान वे बात ताली बजा चलो भाई भाई ये मान पाओ अपने बीच में विधायक महोदय जी अपने बीच पधार चुके हैं। हाँ मध्य प्रदेश हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री हमारे क्षेत्र के पड़ोस के विधायक सम्मानीय धर्मेंद्र सिंह जी लोधी पधारे हैं। वह आचार्य श्री से श्रीफल बैठ करके आशीर्वाद ले रहे हैं एवं उन हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री परमादरणीय धर्मेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे गंगा जिले की नोहटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन एवं धार्मिक एवं धर्मस्व मंत्री परमादरणीय धर्मेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं निवेदन करूंगा विराधोदय पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चंद जी सराफ श्री स्वागत अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सराफ जी श्री जमुना जैन जी एवं समस्त विराधोदय पंच कल्याणक समिति हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। पंच कल्याण समिति हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए मंडल अध्यक्ष श्री ललित पटेल जी सुपेन गाव जी श्री रणवीर सिंह जी बरखेड़ा आप सभी भी माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। कुलदीप पटेल से मंडल अध्यक्ष आप सभी से निवेदन है श्री मनोज जैन जी श्री सुनील सराफ जी पार्षद कहता हूँ स्वागत हमारे बीच आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन धर्मस्व एवं धर्म जागरण मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आज के इस गर्भ कल्याणक के अवसर पर दो शब्द हम सबके बीच हमारे बीच मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन एवं धर्म मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं और हमारे विराधोदय लोक कल्याण ट्रस्ट विराधोदय समिति विराधोदय पंच कल्याणक समिति सभी ने माननीय मंत्री महोदय के समक्ष छोटी सी एक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु छोटा सा निवेदन किया है जिसमें जिस स्थान पर यह
अस्थायी रूप से पंडाल निर्मित है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मंच एवं शेड का निर्माण, दुरागोदय तीर्थ में सौंदर्यीकरण एवं लाइटिंग, दुरागोदय तीर्थ उद्यान में बच्चे को खेलने हेतु झूले लगवाने हेतु तथा दुरागोदय तीर्थ के सामने मुख्य रोड पर पर्यटन विभाग के प्रवेश द्वार, ऐसी कुछ मांगों का मान पत्र हमारी पंच कल्याण समिति अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह जी सराफ, आदरणीय नरेंद्र सराफ जी, जमुना जैन जी, आप सभी मंत्री महोदय को सौंपते हुए और अब मैं सीधे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि हम सभी के बीच दो शब्द कहें। हरिओम। सर्वप्रथम तो मैं पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव में परम पूज्य 108 गणाचार्य विराग सागर महाराज जी एवं समस्त संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। कमेटी के सदस्य आलोक चौधरी जी, हमारे प्रकाश सराफ जी, अनिल जैन जी, नरेंद्र सराफ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंडल अध्यक्ष सुकई दाऊ, हमारे आदरणीय जमुना जैन जी, हमारे मनोज जैन जी, ललित पटेल जी मंडलाध्यक्ष, श्री रणधीर सिंह लोधी जी, श्री मम्मा चौरसिया जी, देवेंद्र भांकड़ा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें। सर्वप्रथम तो आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आचार्य महावीर स्वामी जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित था, उस कार्यक्रम में आचार्य श्री के का सानिध्य भी प्राप्त हुआ था, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। पिछली बार जब आया था तो विधायक था, इस बार आया हूँ तो आप सबके आशीर्वाद से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से मंत्री पद से मुझे पार्टी ने सुशोभित किया है, तो बहुत अच्छा तीर्थ यहाँ पर विकसित हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं तो लगातार इस रास्ते से निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तीर्थ जब विकसित हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश का ही नहीं अपितु देश का सबसे अच्छा तीर्थ बन के उभरेगा। अभी मैं देखता आ रहा था कि चारों तरफ कमल की पंखुड़ी हैं, ऊपर भगवान की 24 तीर्थंकर जी की मूर्ति भी विराजमान है, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव का विषय है कि इतना अच्छा तीर्थ विरागोदय तीर्थ के नाम से यहाँ पर बन रहा है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। आप सब ने जो मांगें रखी हैं उन सारी मांगों में संस्कृति विभाग के अंतर्गत मैं इसका परीक्षण करवा लूँगा, जो भी इसके अंतर्गत आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैं काम करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो जियो और जीने दो की बात है, वो वास्तव में पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है, क्योंकि आज जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं,
वहाँ पर अहिंसा परमो धर्मः का सिद्धांत जो है वो सारे विश्व में शांति लाने का काम कर सकता है। जो हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना है जिसमें हम कहते हैं कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, ये मेरा है तुम्हारा है, छोटे लोग बात करते हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो कहती है कि सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। तो ऐसी महान संस्कृति के हम संवाहक हैं और इस संस्कृति के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर कहते हैं कि जो अपनी अपनी बात करते हैं वो तो कुएं के मेंढक हैं। ये भारतीय संस्कृति है जो कहती है चाहे किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचोगे उसी परमपिता परमेश्वर तक। सृष्टि के कण कण में जर्रे जर्रे में वह परमपिता परमेश्वर विराजमान है, ऐसा अगर कोई उद्घोष करता है तो वो हमारी भारतीय संस्कृति हमारे भारतीय धर्मों में परिलक्षित होता है। और हमारी संस्कृति में हम कहते हैं एकम सद विप्राय बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये हमारी संस्कृति ही है जिसमें हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये बात अगर कोई करता है तो हमारी भारतीय संस्कृति करती है। तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हैं कि ऐसी भारतीय संस्कृति जो सारे विश्व के कल्याण की बात करती है, सारे प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस प्रकार की बात करती है। इस भारतीय संस्कृति में हमने जन्म लिया और धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, इस भारत भूमि में जन्म लेकर हम अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं क्योंकि ये वो भूमि है, वो पुण्यमयी भूमि है जिस पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। आप सब ने मुझे बुलाया, इतना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और परम पूज्य गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उसके लिए आप को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और गुरु जी सासंग विराजमान है, सब सासंग सभी संत जनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारी माताएं भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे से अग्रतर माननीय मंत्री महोदय अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित हुए। ओम नमः सिद्धिदात्रे। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज अपने बीच में अपने देश के मध्य प्रदेश के पर्यटक एवं संस्कृति मंडल के मंत्री जी आज अपने धार्मिक मंडल से भी जुड़े हुए हैं, आज अपने बीच में उपस्थित हुए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि पहले आप विधायक के रूप में यहाँ आए थे, आज मंत्री के रूप में आए। मैं चाहता हूँ आगे जब भी आए और उन्नति करके यहाँ पर आए, सारा दे अपना ब्रागोदय यह सब आपका है और अपनी जनता का है,